मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ के ग्राम पंचायत नंदनवारा के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मोहनगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदनवारा के ग्रामीणों ने मोहनगढ़ तहसील पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर और मोहनगढ़ तहसीलदार डॉक्टर अभिजीत सिंह को पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नंदनवारा पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक पर ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में ग्रामीणों को मजदूरी न देकर मस्टर रोल में अपने परिवार के सदस्यों एवं अपने चहितों के नाम जोड़कर राशि का फर्जी तरीके से आहरण किया गया। मनरेगा के तहत पंचायतों में कार्य रात्रि के समय जेसीबी मशीनों से कराए जाते हैं तथा अपात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जबकि पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। भाई साहब आपका नाम? कहां से आए भाई साहब? नंदनवारा पंचायत के नीम के रगा। अभी आप लोगों ने मोहनगढ़ तहसीलदार को किस संबंध में ज्ञापन दिया? यहाँ सब लोग मोहनगढ़ तहसीलदार को हम लोगों ने भ्रष्टाचार के विरोध में इसका ज्ञापन दिया है। तहसीलदार महोदय द्वारा बताया गया है कि जांच उपरांत जो उचित कार्रवाई होगी हम उस पर करेंगे। किस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है? ये पंचायत में हो रहा है, सरपंच सेक्रेटरी रोजगार सहायक द्वारा। कैसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? इसमें तमाम भ्रष्टाचार है, जैसे कोरोना काल में टेंशन हुई थी वो मशीनों से कराना था, लेकिन उन्होंने रात्रि से जेसीबी मशीन द्वारा मजदूर कार्य कराया गया है। वो फर्जी मस्टर रोल डाल करके हमने सभी घर वालों को मजदूरी पर लगा करके और पैसों का गबन किया है, क्योंकि जो उचित नहीं है। हम लोग इस संबंध में आए कि हमारी पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरपंच और सेक्रेटरी और रोजगार की तरफ से पंचायत में बहुत अनदेखी मनमानी हो रही है। इसके संबंध में हम लोग तहसील मोहनगढ़ आए हैं। और आपने ज्ञापन दिया है? जी। तो आपको तहसीलदार महोदय के द्वारा कुछ आश्वासन मिला है इस संबंध में? इस संबंध में उनसे आश्वासन मिला है कि हम उसकी जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। सर, जैसा कि बार बार सुनने में आ रहा है मोहनगढ़ क्षेत्र में के सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायकों के द्वारा आवास तथा मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। आवास ऐसे लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं जिनके ट्रैक्टर, चार पहिया अन्य वाहन, कम से 5 से 10 एकड़ जमीन और पक्के मकान हैं, जबकि जिनके पास मकान भी नहीं है, टपरा या छपड़ी डाल के डाल रहे हैं, उनके नाम आज तक आवास में नहीं आए हैं। चूँकि जैसे ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, हम हमारे स्तर पर जो उसकी जाँच करा रहे हैं, वो जाँचें चल भी रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है उसमें जो कार्रवाई लगेगी, अगर हमारे स्तर की तो हम करेंगे, नहीं तो हम जिले स्तर पर उसको भेज देंगे। एक और श्रीमान जी, जब तक आप अभी आप थे तहसीलदार, उस समय तक जहाँ भी सरपंच सचिव थे वो मजदूरों से काम करा रही थी, मगर जैसे ही आप गए उस बीच में रात्रि के समय सरपंच और सचिवों के द्वारा और सरपंचों के द्वारा रात्रि में जेसीबी मशीनों से कार्य कराए जा रहे हैं और मजदूरों के फर्जी मस्टर रोल में नाम चढ़ा के पेशों का शासन का गबन कर रहा है, अब इसमें सर कहां तक लगाम लगेगी आपकी आने से? अब देखिए, जब से मैं आया हूं, जैसे जैसे हमें संज्ञान में परेशानियां पता लगेंगी हर एक ग्राम पंचायत की, तो कुछ मस्टर रूल्स हमने मंगवा लिए हैं, तो जैसे कि इन्होंने भी अभी कंप्लेन की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।